Hello friends, myself Saurabh Sharma, assistant professor and head of the department of computer science and engineering in Aryabhatt College of Engineering and Research Center Ajmer. I have 9 years of teaching experience. So friends, जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है. हम बहुत सारे काम कंप्यूटर की हेल्प से घर बैठे ही कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन रिचार्ज और ऑफिस वर्क. और ये सब पॉसिबल हुआ है कंप्यूटर साइंस की वजह से. हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस नहीं होती तो शायद हमारे सामने डिजिटल टेक्नोलॉजी भी नहीं होती. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आज के टाइम की सबसे बेस्ट, सबसे डिमांडेबल और सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करने वाली कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में बताऊंगा. साथ ही इस ब्रांच में एडमिशन लेने से लेकर 4 ईयर स्टडी प्रोग्राम और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा. तो जैसे कि हम जानते हैं बीटेक, जिसे कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, जो ये ना कि सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री है बल्कि हम कह सकते हैं कि ये एक टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री है. इस कोर्स का ड्यूरेशन टोटल 4 ईयर्स का होता है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए क्लास 12th का PCM के साथ पास होना जरूरी होता है. तो चलिए अब जानते हैं इन 4 सालों में एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट को ऐसा क्या सिखाया जाता है जिससे कि वो इतना टेक्निकली स्ट्रांग हो जाता है. तो बताना चाहता हूँ बीटेक कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई में स्टूडेंट को साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली अप्रोच पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि उसकी प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रांग हो सके. इन 4 सालों में स्टूडेंट को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे C, C++, जावा, .NET, पाइथन, MySQL सिखाई जाती है. और इन्हीं प्रोग्रामिंग स्किल्स की बेस पर स्टूडेंट नया एप्लीकेशंस, वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाता है, जिससे कि दुनिया की फेमस MNCs जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर उन स्टूडेंट्स को अच्छे पैकेज पर सेलेक्ट कर लेती है. तो चलिए अब बात करते हैं जॉब्स की. एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में जॉब्स के ऑप्शन हमेशा से ही खुले रहते हैं. अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की तो इंडियन रेलवे, इसरो, LIC, बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में साइंटिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, IT ऑफिसर, प्रोग्रामर और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट जैसी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती है. और हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की तो इंडिया की फेमस MNC जैसे कि इन्फोसिस, TCS, HCL, विप्रो, रिलायंस जियो में डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर जैसी पोस्ट पर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल रहती है और जिनका पैकेज लाखों और करोड़ों में होता है. तो जैसे कि हम सब जानते हैं आज का टाइम एडवांस टेक्नोलॉजी सीखने का है और आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेहद डिमांड में है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी देना चाहते हैं अपने सपनों को डिजिटल टेक्नोलॉजी की उड़ान और आपके अंदर भी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाने का जुनून, तो आज ही संपर्क करें अजमेर शहर के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर है, जो कि बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त है, जहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्सनलिटी डेवलपमेंट, गेम्स, स्पोकन इंग्लिश जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को सिखाई जाती है, जिससे कि स्टूडेंट्स का पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो सके. एट द एंड आई वुड लाइक टू से टुडेज कंप्यूटर साइंस इज टुमारोज टेक्नोलॉजी. सो ज्वाइन कंप्यूटर साइंस टुडे एट आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर. थैंक यू.